हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी लर्न अबाउट नाउन प्रीपोजिशन नाउन। जो मैंने आपको नाउन प्रीपोजिशन नाउन कराया था उससे रिलेटेड मैं आज आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। क्या समझाऊंगी? उससे रिलेटेड मैं आज आपको क्वेश्चन समझाऊंगी जो कि एग्जाम में किस थ्रू आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपको कैसे करने हैं। ठीक है भाई, तो टाइम बिना वेस्ट किए बताते हैं। ओके भाई, मैं लिखती हूँ माई ऑल सिस्टर इन लॉ, माई ऑल सिस्टर इन लॉ। मैंने आपको कुछ ऐसे ही कराए थे। जो नाउन हमारे मेन वर्ड होते हैं, जो नाउन हमारे क्या होते हैं, मेन वर्ड होते हैं, उसमें हमारा एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने यही कराए थे। एंड जो नाउन हमारे नाउन वन एंड प्रीपोजिशन फिर देन हमारा फिर से नाउन आता है तो उसमें हमारा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर का प्रोसेस रहता है, सेम सेम होना चाहिए। मतलब जहाँ हमारा आ रहा है सिस्टर, सिस्टर्स आफ्टर सिस्टर्स, सिस्टर्स हमारा क्या हो गया नाउन, आफ्टर हमारा क्या हो गया प्रीपोजिशन, फिर हमारा सिस्टर क्या हो गया नाउन। तो अब हम इसका सिस्टर आफ्टर नाउन, सिस्टर आफ्टर सिस्टर सिस्टर कर देंगे। ठीक है, बट हम इसका ऐसे नहीं कर सकते सिस्टर्स आफ्टर सिस्टर। एक में एस या ईएस आ रहा है एंड प्रीपोजिशन हमारा सेम है एंड दूसरे नाउन में हमारा कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है भाई, ये सब मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में करा दिया था, ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है, उसी से रिलेटेड मैं आज आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। क्या करा रही हूँ? उसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा माई ऑल सिस्टर इन लॉ हैव बीन been invited, क्या invited, invited, my all sister in law have been invited to the party। ठीक है, my all sister in law have been invited to the party। इसे आपको सही तरीके से लिखना है। ये मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है। ठीक है, इसको आपको नाउन वर्ड और नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन मेन वर्ड्स के अकॉर्डिंग सही करना है। एंड देन मैंने आपको ये बताया था नाउन प्रीपोजिशन नाउन, उसके अकॉर्डिंग भी आपको देख के सही करना है। तो आज हम वही बताने वाले हैं आपको कि किस टाइप से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें उसके आंसर देने चाहिए। ठीक है भाई, इसमें लिख रहा है माई ऑल, तो भाई मेरी सभी, समझने की कोशिश करनी है आपको, माई ऑल मतलब मेरी सभी। सिस्टर, इसमें क्या आ रहा है सिस्टर, मतलब सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है ननंद। ठीक है, ननंद, तो मेरी सभी ननंद पार्टी में इनवाइट की गई हैं, पार्टी में इनवाइट की गई, उनको पार्टी में बुलाया गया है। ठीक है भाई, तो इसमें आपका पहले आ रहा है, यहाँ पे देखो हैव बीन इनवाइटेड। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है क्या हमारा सिस्टर के साथ हैव बीन आ जाएगा, क्या हमारा सिस्टर के साथ हैव बीन आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, हैव बीन हमारा प्लूरल में यूज होता है, किसमें यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है। एंड देन इसमें हमारा सिस्टर क्या देखा है, सिस्टर को एक तरीके से हम पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर है। और दूसरी बात ये, इसमें आप ये देखिए, इसमें ऑल आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, तो ऑल मतलब सभी, तो ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलती हो रही है जो कि हमें खुद सही करनी है। ऐसे ही पेपर में देते हैं, जो गलत होता है उसको खुद हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, उसके उसकी ट्रिक से हमें सही करने होते हैं। ठीक है भाई, तो My all sister in law have been invited to the party. My all sister in law have been invited to the party. ठीक है भाई, तो इसमें हमारा all और have को देख करके हम sister का प्रयोग नहीं करेंगे, sister का use बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसकी जगह हमारा आएगा sisters, क्या आएगा sisters आएगा, क्योंकि sisters in law, तब हमारा have बिल्कुल correct रहेगा, तब हमारा जो हैव है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, यहाँ हम इसको कट के लिखेंगे, कट करके लिख देंगे सिस्टर इन लॉ,
ये हमने यहाँ से ऐसे कट किया एंड ये हमारा कायदे से क्या आएगा, सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ। अब ये आपका पूरा सेंटेंस सही हो गया। अब आपको यही सब चीज़ें यूज़ करनी है, सिंगुलर कहाँ लगेगा, प्लूरल कहाँ लगेगा, नाउन प्रीपोजिशन के साथ, नाउन प्रीपोजिशन नाउन के साथ क्या लगेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सब मैंने आपको फोर्थ फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको ये सब बता दिया था। उसी से रिलेटेड मैं सिर्फ आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। एक और देखते हैं हम, आई एम गोइंग, ये हमारा वन लिख लो, ठीक है, एंड हम यहाँ पर दूसरे डालते हैं टू। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग अ सेवन डेज, ठीक है, आई एम गोइंग अ सेवन डेज ट्रिप, ट्रिप मतलब मैं 7 दिन की यात्रा के लिए जा रही हूँ या जा रहा, ठीक है भाई। इसका हिंदी में मैंने आपको ट्रांसलेट कराया अभी, मैं 7 दिन की यात्रा के लिए जा रहा हूँ या जा रही, ठीक है। अब आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, इसमें ये बताना है ये सही है या गलत है, इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, किस कायदे से लिखेंगे। आई हमारा खुद में क्या है, आई हमारा कभी सिंगुलर में भी आ जाता है एंड देन प्लूरल में भी आ जाता है। जब खुद से रिलेटेड बात हो रही हो तो वह हमारा सिंगुलर में आएगा, एंड देन अगर हमारा मान के चलो हमारी फ्यूचर में बात हो रही हो या पास्ट में बात हो रही हो या किसी चीज़ में भी बात हो रही हो तो हम उसको प्लूरल में ले लेते हैं, और हैज़ ए वर्ड वाले सेंटेंस में हम प्लूरल बना देते हैं उसको, समझ रहे हो। अब भाई आई, आई के साथ हमारा क्या यूज़ होगा, एम होगा, और ये सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। आपको ये भी मैंने बता दिया ये किसका सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है भाई। आई एम गोइंग अ सेवन डेज ट्रिप, यानी कि मैं 7 दिन की यात्रा के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है भाई, इसको समझते हैं। आई आ गया, एम आ गया, अच्छी बात है, आई आ गया और एम आ गया हमारा। अब हमारा आ गया अ भी आ गया, ये भी सही बात है, सेवन आ गया, 7 डेज आ गया, यहाँ पे देखो भाई डेज आ गया, क्या आ गया, डेज आ गया। आई एम गोइंग टू मतलब मैं 7 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, 7 दिनों के लिए बोलेंगे, दिन 7 दिन के लिए, क्योंकि इसमें अ भी आ रहा है। मैंने आपको बताए थे ना फोर्थ लेक्चर में, बताए थे मैंने आपको, ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है, आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे डेज दे रखा है ये डेज नहीं आएगा, डेज को हटा करके हम डे कर देंगे, क्या कर देंगे, डे को हटा करके हम डेज को हटा करके हम डे कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ कट किया एंड देन अगर हमें यहाँ लिखना नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देंगे डे, ठीक है डे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आई एम गोइंग अ 7 डेज ट्रिप, ठीक है, मैं 7 दिन की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अगर वो लड़का है तो, और लड़की है तो जा रही, ठीक है भाई। अब हमारा 7 दिन के लिए जा रहा है, दिनों के लिए नहीं जा रहा है, शुद्ध हिंदी में हमने बोला कि मैं 7 दिन की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। अब इसमें दे रखा है डेज, ठीक है, ये वही है नाउन से रिलेटेड सिंगुलर प्लूरल जो कि मैंने आपको पहले करा दिए, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ एंड देन उसी से रिलेटेड मैं आपको समझा भी रही हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा, किस कायदे से बनेगा, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा डेज। अब भाई पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डे आना चाहिए एंड इसमें दे रखा है डे, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, आपको गलत सेंटेंस दिए जाएंगे उनको सही बनाना है, ठीक है, आपको जहाँ गलती हो रही है वो चीज़ देखनी होगी, समझ रहे हैं आप। तो अब हम एक और देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आई सो मतलब मैंने देखा, आई सो 12 ईयर, आई सो 12 ईयर्स, ठीक है, आई सो 12 ईयर्स बॉय,
बॉयज कर दिया हमने, बॉयज। ठीक है, वर्किंग इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री। ठीक है भाई, मैंने देखा कि जो 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो क्या काम कर रहा है? वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, मैंने देखा, ये यहाँ तक हमारा किसका सेंटेंस हुआ? मैंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट का, किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। एंड हमने किसको देखा? 12 साल के बच्चे को देखा। ठीक है, किसको देखा? 12 साल के बच्चे को देखा। एंड हमारा वर्किंग इन द फैक्ट्री, ये हमारा आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में आ रहा है? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सॉरी। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, कायदे से देखेंगे, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा है, एंड ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है। ठीक है भाई, अब हम इसको सही तरीके से बताएंगे, ये गलत है, आपको मैंने गलत दिया है, ये आपको समझाना है पहले आपको, फिर आपको सही करके दिखाना है। ठीक है, आई सो, ठीक है भाई, आई सो मैंने देखा, 12 ईयर्स बॉयज, मतलब 12 साल का लड़का, 12 साल, 12 साल हम प्लूरल में ले लेंगे, 12 साल। ठीक है, पर 12 साल का लड़का, ना कि लड़के, 12 साल का लड़का ना कि लड़के, तो आई सॉ 12 ईयर्स बॉय आएगा। ये हमारा बॉयज था ना, यहाँ इसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ हमारा ऊपर आ जाएगा बॉय, क्या आ जाएगा? बॉय, बॉय। ठीक है भाई, बॉय। आपको समझ में आ रहा है? आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए, दिक्कत वाली बात ना रहे। शी गर्ल्स, शी गर्ल्स इज डूइंग डांस, शी गर्ल इज डूइंग डांस इन द पार्टी, इन द पार्टी, इन द पार्टी। ठीक है भाई, मतलब वह लड़की पार्टी में क्या कर रही है? डांस कर रही है। शी गर्ल्स इन डूइंग डांस, या फिर हम कर देंगे डांसिंग इन द पार्टी, क्या कर देंगे? डांसिंग इन द पार्टी। डांसिंग, डांसिंग कहाँ कर रही है? पार्टी में कर रही है, इन द पार्टी। ठीक है भाई, शी गर्ल्स इज डांसिंग इन द पार्टी, वह लड़की पार्टी में नृत्य कर रही है। ठीक है, वह लड़की पार्टी में नृत्य कर रही है। ठीक है भाई, अब इसको हम ये गलत दे रखा है, हमको ये सही करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ हमारा सिंगुलर का प्रयोग होगा एंड कहाँ प्लूरल का प्रयोग होगा, कहाँ सही होगा कहाँ गलत होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं, शी गर्ल्स इन डांसिंग इज डांसिंग इन द पार्टी, इन द पार्टी, इन द पार्टी। ठीक है भाई, तो देखते हैं यहाँ पे, शी हो गया हमारा वह, एंड लड़की हो गया हमारा लड़कियां, गर्ल्स आ रहा है तो लड़कियां हो गई, वह लड़कियां। अब भाई इज तो हमारा सिंगुलर में यूज होता है, किसमें होता है? सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, प्लूरल में तो हमारा आ रहा आना चाहिए यहाँ कायदे से, बट हमने इज एम आर का कोई यूज बताया नहीं, हमने तो आपको नाउन में सिंगुलर प्लूरल बताया है, किसमें? नाउन, नाउन और नाउन में बताया सिंगुलर प्लूरल का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा। डांसिंग मतलब नृत्य कर रही है इन द पार्टी, किसमें कर रही है? पार्टी में कर रही है। तो भाई यहाँ पे ये जो गर्ल्स दे रखा है उसको हम काट करके गर्ल करेंगे, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। एक इस नाउन को हम प्लूरल में दे रखा है, इसको हम सिंगुलर में कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? यहाँ गर्ल लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम गर्ल इज। अब ये कायदे से बिल्कुल फिक्स है, सही है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन गया, एकदम सही है, परफेक्ट है। शी गर्ल इज डांसिंग इन द पार्टी,
वह लड़की पार्टी में नृत्य कर रही है या डांस कर रही है या नाच रही है। ठीक है भाई, फटाफट से इसे नोट कीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको अब आगे अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड कुछ बता दूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको अनकाउंटेबल नाउन बताएंगे। पहले इसे रफ कर दें, फिर हम आपको अनकाउंटेबल नाउन को बताएंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम क्या नहीं कर सकते, मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था, थर्ड डे में बताया था अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो पहले हम यहाँ डालते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अन काउंटेबल यानी कि अनगिनत संख्या। अनकाउंटेबल मतलब अनगिनत संख्या। इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं एक बार और यहाँ पे, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, क्या नहीं करते, गिन नहीं सकते, लेकिन हम उसकी मात्रा को नाप या तोल सकते हैं। नाप या तोल सकते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। सिर्फ नाप सकते हैं उसे, नहीं गिन नहीं सकते हैं उसे, हम नाप या तोल सकते हैं, तोल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे तरीके से आ गया होगा समझ में अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। काउंटेबल भाई वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। मैंने बोला ए ए बॉय, एक लड़का। हमने बोला ए बॉय, क्या बोला, ए बॉय, तो मतलब एक लड़की की बात हो रही है। एक लड़का भाई, एक लड़का हमने गिना और बताया ए बॉय। और हम बोले फाइव स्टूडेंट्स, फाइव स्टूडेंट्स, तो उनको भी हम गिन लेंगे क्योंकि पांच विद्यार्थी। ठीक है, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं मगर उन्हें नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। ठीक है, वे हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है भाई, एग्जाम्पल में मैंने देखा ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। ठीक है भाई, ऑनेस्टली, ईमानदारी, ईमानदारी। क्या हम ईमानदारी को गिन सकते हैं, क्या हम अपनी ईमानदारी को, ईमानदारी लिखते हैं यहाँ, ईमानदारी। क्या हम ईमानदारी को, अपनी ईमानदारी को गिन सकते हैं, नहीं, पर हाँ हम उसे नाप या तोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये पहला हो गया ईमानदारी। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, मिसचीफ, क्या लिखते हैं, मिसचीफ, मिसचीफ मतलब शरारत, क्या शरारत। अब ये बताइए क्या हम शरारत को गिन सकते हैं, क्या हम शरारत को गिन सकते हैं। मैंने बोला उस लड़के में कितनी शरारत है या फिर वह कितना शरारती है, हम उसके गिन के नहीं बता पाएंगे वह कितना शरारती है। हाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह मतलब नाप सकते हैं और तोल सकते हैं वह कितना उदम मचाता है, कितना शरारती है। ठीक है भाई, हम बोलेंगे वह बहुत शरारती है। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी एक क्वांटिटी को देखा। ठीक है, क्वांटिटी को देखा। एक और देखते हैं, अभी हम बहुत सारे वर्ड बताएंगे आपको अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। ठीक है, मैं बोलूं यहाँ पे न्यूज, न्यूज माने होता है समाचार। एंड देन दूसरा लिखते हैं हम यहाँ, दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं डिसहोनेस्ट। ठीक है भाई,
डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। अब इनको हम समझाएंगे आपको, ठीक है। न्यूज, क्या हम जो हमारी जो न्यूज सुनाने वाले होते हैं, न्यूज मीडिया वाले, न्यूज चलती है, हम उस न्यूज को गिन सकते हैं कि आज हमने इतनी न्यूज सुनी? नहीं, न्यूज हमारी अनलिमिटेड होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। बहुत सारी न्यूज होती हैं, जगह जगह की न्यूज होती हैं, समाचार बहुत सारे होते हैं, हर जगह आप जाओगे वहां हर जगह के हर तरीके के समाचार सुनने को मिलेंगे, ठीक है भाई। ये भी मैंने आपको बता दिया, एंड ये भी बता दिया, एंड ये भी बता दिया, ठीक है। ये हमने तीन बता दिए। एंड डिसहोनेस्ट, जब कोई व्यक्ति बेईमान होता है, वह बेईमानी करता है, वो दिखता तो सबको है कि वो बेईमान है, क्या हम उसकी बेईमानी को गिन लेंगे? क्या हम उसकी बेईमानी को गिन लेंगे? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि भाई वो बेईमान है। हम बता सकते हैं कि वह बहुत ज्यादा बेईमान बेईमान है, हमने उसकी क्वांटिटी को देखा, ठीक है, मात्रा को देखा, नापा तोला समझा, ठीक है, बेईमान हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे क्या देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, हम देखते हैं मिल्क। मिल्क माने आप सभी को पता होगा दूध होता है। दूसरा लिखते हैं हम यहाँ पे अनकाउंटेबल में ही सुगर, ठीक है, सुगर माने चीनी, ठीक है। और एक बात और, हमारे काउंटेबल जो नाउन होते हैं वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर में भी ले लेते हैं एंड प्लूरल में भी ले लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, आपसे कोई पूछे तो वह ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। मैंने बोला मिल्क एंड मैंने बोला सुगर, तो मिल्क, क्या हम दूध को गिन सकते हैं? क्या हम दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, हम दूध को नहीं गिन सकते, उसकी मात्रा को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है। हम बता सकते हैं कि इतने लीटर है सुगर। आपको एक ग्लास भर के चीनी दे दी जाए, आपको एक ग्लास भर के चीनी दे दी जाए, क्या आप चीनी को गिन के बता देंगे कि इसमें इतने दाने हैं, चीनी के इतने दाने हैं, शुगर के इतने पार्ट्स हैं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको। हम नाप के तोल के कायदे से बता सकते हैं, ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ठीक है भाई। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं, हम फर्नीचर देखते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब आपको पता होगा लकड़ी से बनी चीज है, फर्नीचर, फर्नीचर लिखते हैं हम यहाँ, फर्नीचर। अब आपके सामने फर्नीचर की चीजें रख दी जाए, बहुत सारे फर्नीचर रख दिए जाए, फर्नीचर के शोरूम में मतलब भेज दिया जाए, तो क्या आप उन फर्नीचरों को गिन लेंगे? नहीं गिन पाएंगे। और हाँ, हमने एक फर्नीचर दिया, उसको हम बता देंगे गिन के वो कितना है, कितना वजन है उसमें। पहले उसे हम देखेंगे, फिर उसको नापेंगे, फिर तोलेंगे, तो ये क्या हुआ हमारा? ये भी एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है, ये भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। मैंने बोला पोइट्री, पोइट्री, पोइट्री माने होता है कविता, क्या होता है पोइट्री माने हमारा होता है कविता। जब हम एक कविता को पढ़ते हैं, ठीक है, कविता को पढ़ते हैं, तो हम उसे गिन नहीं सकते, बस उसकी क्वांटिटी देखते हैं कितनी लंबी है, कितनी लंबी कविता है या कितनी छोटी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है भाई। और भी बताते हैं मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन से, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, ज्वेलरी माने होता है आभूषण। जो हम कहते हैं ना, मैंने ज्वेलरी खरीदी, मैंने आभूषण खरीदा, मैंने बोला मैंने गोल्ड इयररिंग खरीदे, सोने के ये कान के इयररिंग्स खरीदे, झुमके खरीदे, मैंने कहा नेकलेस लिया, तो ये सब हमारे ज्वेलरी में आते हैं, इनको हम बोलते हैं हिंदी में आभूषण, आभूषण। अब आपके सामने हम आभूषण को रख दें, तो आप उसको देख लेंगे और ये बता देंगे ये अच्छा है और ये बुरा है। अब हम उसको बोलें कि ये कितना है, तो क्या आप उसको गिनेंगे, आभूषण को गिनेंगे? नहीं भाई, पहले उसे उठाएंगे, फिर उसे नापेंगे, तोलेंगे, उसका वजन गिनेंगे, इतने ग्राम का है, इतने ग्राम का है, इतने किलो का है, ठीक है। आभूषण को मैंने बनवाए, अपने गले का नेकलेस बनवाया, और मुझसे कोई पूछे कि भाई कितने, कितना है, कितना है, मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी इतना है, मैं उसको पहले नापूंगी, तोलूंगी, तभी तो बताऊंगी इतने उसका है, ठीक है।
तो ये सब हमारे किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। एक बार हम अनकाउंटेबल नाउन फिर से रिपीट करते हैं। ऐसे नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमें उनको कहते हैं जो हम जिन्हें हम गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? जिन्हें हम गिन नहीं सकते मगर उनकी मात्रा को नाप या तोल सकते हैं, वे हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको इतना सारा समझा दिया, ठीक है, इतना सारा समझा दिया मैंने। इसको फटाफट से नोट कीजिए या एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको अब आगे बताऊं। और एक बात और, ये सभी जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें हमारी सिंगुलर नाउन की वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब की नाउन यूज होती है, ठीक है भाई? ठीक है, यही मैंने आपको भी जो बताए हैं, या आप इसको नोट कर लीजिए या इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है भाई? अब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ वो बताएंगे, क्या बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे। मैं इसे रफ कर रही हूँ। ठीक है भाई, मैं इन्हें अब रफ करके आपको थोड़े बहुत इनसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ। पहला लिखा मैंने रीना और रीड, रीना रीना रीड ए, यहाँ पे डैश लगाया मैंने, रीना रीड अ बुक। रीना भी हमारा एक वचन हो गया, रीड भी हमारा एक वचन हो गया, ए भी हमारा एक वचन हो गया, एंड बुक भी हमारा एक वचन हो गया। रीना अनकाउंटेबल से बता रहे हैं हम आपको, रीना क्या पढ़ रही है, हम बोल देंगे अनकाउंटेबल ही फिक्स करना है उसमें हमें। जो हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें ऐसे वर्ड फिक्स करने हैं जो अनकाउंटेबल में आते हो। किस में आते हो? अनकाउंटेबल में आते हो, मतलब अनगिनत संख्या में आते हो। तो क्या हम यहाँ लिख देंगे, रीना रीड अ मैथ बुक, मैथ बुक, यस लिख देंगे। हम लिखते हैं यहाँ रीना रीड अ पोइट्री बुक, पोइट्री बुक। रीना क्या करती है? रीना पोइट्री की पुस्तक पढ़ती है, ठीक है भाई? एक और देखते हैं, शीगल, शी गर्ल बाय, यहाँ हमने डैश लगाया, ठीक है, शी गर्ल बाय। अब हमें यहाँ भरना है, क्या फिलिंदा ब्लेंस को भरना है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें हमारा अनकाउंटेबल नाउन से ही रिलेटेड आए, बीच में जो भी आए अनकाउंटेबल ही आए, जिससे हमें पता रहे कि वो अनकाउंटेबल है, अनगिनत है। मैंने लिखा वह लड़की, शी गर्ल, वह लड़की खरीदती है, क्या खरीदती है? वह लड़की, हम बोलते हैं वह लड़की ज्वेलरी खरीदती है, तो ज्वेलरी, ज्वेलरी, शी गर्ल बाय ज्वेलरी, वह लड़की आभूषण खरीदती है, ठीक है भाई? वह लड़की आभूषण खरीदती है। एक और देखते हैं, दिस बॉय इज वेरी, हमें यहाँ भरना है क्या, अनकाउंटेबल नाउन के शब्द भरने हैं। आपको जो भी लगे कि अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, उसे हम लिख देंगे। मैंने लिखा दिस बॉय इज वेरी, आगे का आपको खुद लिखना है, ठीक है? यह लड़का, दिस बॉय का क्या आएगा, यह लड़का, इसके साथ क्या यूज होगा, इज एमआर होगा, एक वचन है, दिस बॉय इज वेरी, यह लड़का बहुत, मैं लिख दूं ईमानदार है, यह लड़का बहुत ईमानदार है, तो हम यह ईमानदार की मीनिंग को क्या लिख देंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है भाई? ऐसे एक दो और बता देते हैं हम आपको फटाफट से। हम बोलते हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं हाउ मैनी, हाउ मच
हाउ मच यहाँ क्या आएगा, ये डैश करना है। हाउ मच मतलब कितने, हाउ मच मतलब कितने, हाउ मतलब कितने, आगे का भरना है। हाउ मच, अब हमने लिख गए हैं फर्नीचर, फर्नी हाउ मच फर्नीचर, यानी कि कितने फर्नीचर हैं। हाउ मच फर्नीचर, कितने फर्नीचर हैं मैंने लिखा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम, यहाँ पे एक और देखते हैं, फिफ्थ। आपके पास कितना दूध है, आपके पास कितना दूध है। हाउ मच, हाउ मच, अब यहाँ डैश करना है। हाउ मच हैव यू, हैव, अब इसमें भी हमें अनकाउंटेबल नाउन लिखना है। क्या लिखना है इसमें भी हमें, अनकाउंटेबल नाउन लिखना है। क्या लिखना है, अनकाउंटेबल नाउन ही लिखना है, ठीक है। तो हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, अब यहाँ करेंगे मिल्क। हाउ मच मिल्क, हाउ मच, हाउ मैनी, हमारा आता है नंबर से रिलेटेड, जिसमें हमारी गिनत संख्याएं है उसमें हमारा हाउ मैनी आता है, एंड हाउ मच हमारा आता है क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए, ठीक है भाई। हाउ मच मिल्क हैव यू, तुम्हारे पास कितना दूध है। तो दूध क्या है, दूध एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको साफ दिखाई भी दे रहा होगा। एक बार सारे जो हमने सेंटेंस बनाया आपको सारे रिपीट करके समझाएंगे, ठीक है भाई। रीना रीड अ पोइट्री बुक, ठीक है, रीना रीड अ पोइट्री बुक। रीना एक पोइट्री मतलब कविता की पुस्तक पढ़ती है। तो कविता क्या है, पोइट्री क्या है, एक कविता, और कविता क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। शी गर्ल वाय, वह लड़की खरीदती है, क्या खरीदती है, ज्वेलरी। ज्वेलरी भी हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है, ज्वेलरी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। दिस बॉय इज वेरी हॉनेस्ट, मतलब उसकी हमने ईमानदारी को देखा तब हमने बोला दिस बॉय इज वेरी हॉनेस्ट, मतलब यह लड़का बहुत ईमानदार है, ठीक है भाई। हाउ मच फर्नीचर, कितने फर्नीचर हैं। हाउ मच मतलब कितने, फर्नीचर क्या है, एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने हाउ मच का यूज किया। तो कितने फर्नीचर, कितने फर्नीचर, ठीक है, कितने फर्नीचर। हाउ मच मिल्क हैव यू, तुम्हारे पास कितना दूध है। हाउ मच मिल्क हैव यू, ठीक है। फटाफट से इन्हें नोट कीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको और भी थोड़े बहुत अनकाउंटेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दूं, ठीक है भाई। अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड थोड़े बहुत और क्वेश्चंस बता दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। देखते हैं सिक्स वाला, आइए हमारा सेंटेंस, इसको हम देखते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में, ये तो हमारा काउंटेबल आ गया, ये हमारा काउंटेबल आ गया। मैं बोलूं तुम्हारे पास कितनी कुर्सी है, तुम्हारे पास कितनी कुर्सी है। हाउ मच चेयर, यहाँ क्या आएगा, चेयर। हाउ मच चेयर हैव यू, हैव, ठीक है। हाउ मच चेयर हैव यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेयर आएगा, चेयर। एक और लिख देते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं आपके पास कितनी चीनी है, आपके पास कितनी चीनी है, ठीक है, आपके पास कितनी चीनी है। हाउ मच, अब यहाँ अनकाउंटेबल लिखना है हमें, हैव, हाउ मच हैव यू, डैश में आपको अनकाउंटेबल लिखना है। हाउ मच सुगर आ गया, सुगर, हाउ मच सुगर हैव यू, तुम्हारे पास कितनी चीनी है। अब मैं बोलू यह कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, यह कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है। दिस चेयर
दिस चेयर मेड मेड फ्रॉम किससे बनी है? वुड क्या है? लकड़ी. फर्नीचर वुड वही चीज आ गई ना नापतोल वाली, तो इसमें क्या आएगा? वुड. वुड वुड माने लकड़ी. लकड़ी को हम गिन लेंगे, गिन तो लेंगे पर हम गिन भी लेंगे. अब बहुत सारी रख दी जाएंगे, पूछेंगे कितने किलो की है ये, कितना है, कितना वजन है इसमें, तो नापेंगे तोलेंगे इसीलिए वह अनकाउंटेबल में आएगी. तो वुड, दिस चेयर मेड फ्रॉम वुड. ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से. ठीक है, मैं बोलूँ यह हार सोने से बना है, यह हार सोने से बना है. दिस नेकलेस इज मेड फ्रॉम, इससे बना है, गोल्ड से बना है, सोना से बना है, गोल्ड. तो गोल्ड क्या है? गोल्ड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. सोने का वजन नाप तोल कैसे बताएंगे? नापेंगे तोलेंगे तभी हम बताएंगे इतने ग्राम का है, इतने किलो का है. ठीक है भाई, आज हमने आपको नाउन, प्रीपोजिशन नाउन एंड नाउन मेन वर्ड्स, नाउन मेन वर्ड्स. ठीक है, और हमने काउंटेबल तो हमने समझाया था सिर्फ, आपको अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल भी दिए थे और इनके हमने नाउन प्रीपोजिशन इन सब के भी आपको एग्जाम्पल दिए और आपको आज इतने तरीके से आपका डाउट क्लियर किया. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है भाई, टेक केयर ऑल.